सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल ट्रेड विज चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसी भी हॉर्स पावर का मोटर हो तो कैसे पता लगाएं कि वह कितना एम्पीयर करंट लेगा? आज यहाँ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कितने हॉर्स पावर का मोटर कितना एम्पीयर करंट लेता है, चाहे वो थ्री फेज का हो या सिंगल फेज का हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रकाश इलेक्ट्रिकल ट्रेड विज में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए देखते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज एसी मोटर के हॉर्स पावर से एम्पियर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आइए कैलकुलेशन करते हैं कि 5 हॉर्स पावर का सिंगल फेज मोटर कितना एम्पियर करंट लेगा। करंट निकालने का फार्मूला ये है, I इजकल टू P डिवाइडेड बाई V इंटू EF इंटू पावर फैक्टर। I मोटर का करंट है जो हमें पता करना है, जहाँ P इजकल टू पावर वाट में है या P इजकल टू HP मल्टीप्लीकेशन बाई 746, क्योंकि 1 HP इजकल टू 746 वाट इजकल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 746 वाट, P इजकल टू 3730 वाट। अब यहाँ वोल्टेज के बारे में देखेंगे, V इजकल टू अप्लाइड वोल्टेज या मोटर का वोल्टेज, यहाँ हम सिंगल फेज 230 वोल्ट लेंगे। EF इजकल टू मोटर की एफिशिएंसी, वैसे मोटर की एफिशिएंसी 65 से 95% के बीच होती है, यहाँ हम 80% लेंगे। मोटर की एफिशिएंसी जो कम होती है वो कॉपर और कोर लॉसेज या आयरन लॉसेज के कारण होती है। PF इजकल टू पावर फैक्टर, मोटर एक प्रकार का इंडक्टिव लोड होता है, इसका पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 के बीच होता है, यह हम कैलकुलेशन में पावर फैक्टर 0.85 लेंगे। तो करंट I इजकल टू 3730 डिवाइडेड बाई वोल्ट 230 मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी 0.8 मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर 0.85 इजकल टू 3730 डिवाइडेड बाई 156.4 इजकल टू 23.85 एम्पियर। फार्मूले से ये निकला कि 5 हॉर्स पावर का सिंगल फेज 230 वोल्ट का मोटर 23.85 एम्पियर करंट लेगा। आइए कैलकुलेशन करते हैं कि 5 HP थ्री फेज इंडक्शन मोटर कितने एम्पियर करंट लेता है। थ्री फेज मोटर में करंट निकालने का फार्मूला है, I इजकल टू P डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई √3। I इजकल टू मोटर का करंट है जो हमें निकालना है, P इजकल टू पावर जो वाट में है, क्योंकि 1 HP इजकल टू 746 वाट तो P इजकल टू हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाई 746 इजकल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 746 P इजकल टू 3730 वाट। यहाँ V इजकल टू अप्लाइड मोटर का वोल्टेज है, यहाँ हम थ्री फेज यानी 440 वोल्ट लेंगे। EF मोटर की एफिशिएंसी है, थ्री फेज मोटर की एफिशिएंसी सिंगल फेज मोटर से ज़्यादा होती है, इसकी एफिशिएंसी 70% से 95% के बीच होती है, यहाँ हम एफिशिएंसी 80% लेंगे। PF इजकल टू पावर फैक्टर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 के बीच होता है, यह भी इंडक्टिव लोड होता है, यहाँ हम पावर फैक्टर 0.85 लेंगे। अब देखते हैं कि √3 क्या है। √3 ये थ्री फेज के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फेज टू फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई फेज टू ग्राउंड वोल्टेज के बराबर होता है। यह थ्री फेज मोटर के करंट निकालने के फार्मूले में यूज होता है और यह 1.732 के बराबर होता है। तो आइए फार्मूले पे चलते हैं। करंट I इजकल टू 3730 डिवाइडेड बाई वोल्ट 440 मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी 0.8 मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर 0.85 मल्टीप्लाइड बाई √3 इजकल टू 1.732 इजकल टू 3730 डिवाइडेड बाई 518.2 इजकल टू 7.2 एम्पियर। तो फार्मूले से ये निकला कि 5 हॉर्स पावर थ्री फेज 440 वोल्ट का इंडक्शन मोटर 7.2 एम्पियर करंट लेगा। किसी मोटर का एम्पियर जानना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, जैसे कोई भी मोटर स्टार्टर से ही चलता है, उस मोटर का स्टार्टर बनाते समय और उसमें रिले लगाते समय मैन्युफैक्चर
या कंज्यूमर को पता करना पड़ता है कि मोटर कितने हार्स पावर का है और वह कितना एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। और दूसरा, मोटर का केबल कनेक्शन करने के लिए भी मोटर का एम्पियर पता होना ज़रूरी है, क्योंकि केबल या वायर किस थिकनेस का यूज करना है वो पता चल सके। और अंत में, हम सभी प्रकार के मोटर का एम्पियर हर जगह कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए रैप कैलकुलेशन में सिंगल फेज के लिए 4 टाइम्स और 3 फेज के लिए 1.5 टाइम्स से हार्स पावर को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एम्पियर निकाल सकते हैं।